नमस्कार मित्रों, आज हम बात करेंगे ईशान कोण के बारे में। यहाँ पे आप क्या बना सकते हो, क्या नहीं बना सकते हो, क्या यहाँ के असंतुलन है, यदि कोई असंतुलन है तो इसका क्या उपाय है या उपाय हो भी नहीं सकता। बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है, इसलिए बहुत गौर से इसे देखना और अंत तक देखना। मित्रों, विश्वकर्मा प्रकाश में लिखा हुआ है कि ईशान के अंदर आप देवता का स्थान बना सकते हैं, ईशान्याम देवता गृहम। अब इस बात को लेकर के धीरे 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 यह बात पक्की होती चली गई, क्योंकि ईशान के अंदर हम केवल और केवल मंदिर ही बना सकते हैं, क्योंकि वही देवता का स्थान है। लेकिन मैं ये कहूँगा, अतिथि देवो भवय, मातृदेवो भवय, पितृदेवो भवय, आचार्य देवो भवय, हमारे यहाँ बहुत सारे देवों के बारे में शास्त्रों में ने बताया है। तो सबसे पहला देव कौन सा होना चाहिए? तो मैं पर्सनली ये मानता हूँ कि आपको जो देता है वह आपका देव है। और सबसे ज़्यादा यदि आपके जीवन में कोई ग्रोथ देता है, कोई उन्नति देता है, कोई तरक्की देता है, कोई सुख देता है, तो वो है आपकी बुद्धि। इसीलिए महावास्तु में इस जोन को स्पष्टता का और बुद्धि का जोन कहा गया है। तो आपका जो विचार है यदि वो उच्च दर्जे का है तो उसे लोग कहते हैं मिलियन डॉलर आइडिया या लाख टके की बात। तो ये जो आइडिया आपको आता है नया नया कुछ करने का, जीवन में कुछ सफल होने का, वो सारा ईशान कोण से आता है। यदि आपने यहाँ पर कुछ भी इम्बैलेंस कर दिया तो सीधे सीधे आपकी सोच इम्बैलेंस होगी, आपकी बुद्धि इम्बैलेंस होगी, और यदि वह इम्बैलेंस होगी तो जीवन में कुछ भी सही से नहीं कर पाओगे। क्योंकि यदि किसी का दिमाग काम नहीं करे तो फिर बाकी चीज़ें काम करे या नहीं करे। इसलिए बहुत गौर से देखना है इसके असंतुलन क्या क्या हो सकते हैं। इसका मित्रों सबसे पहला असंतुलन है यदि वहां पे आपने किसी भी रूप में पृथ्वी तत्व को ला दिया है। पृथ्वी तत्व यानी कि कोई स्टोर कर दिया आपने, या पीला रंग वहां पे आपने कर दिया है, तो स्टोरेज और पीला रंग जो यदि वहां गया तो आपकी बुद्धि जो है वो रुक सी जाएगी, आपके विचार अचानक रुक जाएंगे। आप सोचोगे यार पता नहीं क्या, कुछ भी सूझ नहीं रहा है, तो देखें कहीं ईशान कोण में ये तो नहीं रखे हैं, और यदि है तो इनको शीघ्रातिशीघ्र रिमूव करना चाहिए, इसका कोई उपाय नहीं है। दूसरा सबसे बड़ा इम्बैलेंस जो है वह है टॉयलेट। महावास्तु के फाउंडर डॉक्टर खुशदीप बंसल, इन्होंने अपनी रिसर्च में वास्तु के प्रत्येक दोष का एक सीधा और सरल उपाय ढूंढ के निकाला है। लेकिन उन्होंने भी कहा है कि ईशान कोण के दोष का कोई भी उपाय नहीं हो सकता। कौन से दोष का? यदि वहां पर टॉयलेट है तो मित्रों यदि वहां पर शौचालय है तो इसको तुरंत प्रभाव से आपको हटा देना चाहिए, या किसी भी प्रकार से आपके लिए सहयोगी नहीं हो सकता। बहुत बहुत ही खतरनाक इसके रिजल्ट आते हैं। क्यों आते हैं? क्योंकि यहां पर वास्तु पुरुष का जो सिर है ना, उसका स्थान है, और सिर के अंदर टॉयलेट यानी गंदगी आ जाना, तो दिमाग के अंदर विचारों के अंदर गंदगी आ जाएगी, और यह जो गंदगी है वो आपसे उल्टे सीधे काम करवा सकती है और जीवन के अंदर बहुत सारा उल्टा सीधा रिजल्ट आ सकता है। दूसरे शब्दों में मैं कहूं तो टॉयलेट एक्टिविटी है ड्रेन करने की, खत्म करने की, तो व्यक्ति के विचार को, दिमाग को, सोच को वो खत्म कर देगी, और जिसके घर की सोच खत्म होगी उसके घर के अंदर तरक्की तो किसी भी प्रकार से नहीं आ सकती है। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि यदि वहां पे शौचालय है तो बिना कुछ सोचे बहुत ही जल्दी आपको उसको हटा देना चाहिए। आपके जीवन की सारी तरक्की को रोक देने का कारण एकमात्र वही है। जो दिव्य सहायताएं आपको मिलनी है, देवी सहायता जो आपको मिलनी है, उसको भी आप ड्रेन कर रहे हैं अपने सबकॉन्शियस को ये संदेश दे करके। वहां पे आपने शौचालय बना दिया तो सीधा सीधा संदेश गया अवचेतन मन को कि हमें किसी प्रकार की देवी सहायता या सीधी जो सोच है वो नहीं चाहिए। तो आपसे प्रार्थना करूंगा इसको हटा देना चाहिए। दूसरा जो मुख्य दोष है वह दोष यह है कि आपके घर का मुख्य प्रवेश द्वार यदि आपका ईशान कोण में है तो भी एक दोष कारक है, असंतुलन है। क्योंकि महावास्तु के हिसाब से यदि हम देखें तो आपके ईशान कोण के अंदर दो दरवाजे आते हैं, एक N8 का प्रवेश द्वार है, एक E1 का। तो यदि तो आपका गेट है N8 में तो वेल एंड गुड है, क्योंकि यह आपको एक बैंक बैलेंस ही देने वाला है। और यदि आपका E1 का डोर है तो थोड़ा चिंतित होने की आवश्यकता है, क्योंकि यह आपके जीवन में आकस्मिक नुकसान को देने वाला है, यह आपके जीवन में अग्नि दुर्घटना को देने वाला है। और यदि यह गेट है, इस प्रकार के अनुभव भी आपको हो रहे हैं, तो क्या करें? सीधा सीधा एक ग्रीन कलर की पट्टी उस गेट के ऊपर लगा दो, दहलीज के ऊपर 3 इंच चौड़ी। यदि ग्रीन पट्टी आपने लगा दी तो वह ब्लॉक हो जाएगा और उससे मिलने वाले सभी अशुभ फल भी आपके ब्लॉक हो जाएंगे। है ना इंटरेस्टिंग? अब इसके बाद में बात करें यदि तीसरा मुख्य इंबैलेंस क्या है, तो वह इंबैलेंस है वो है किचन का। यदि वहां पर किचन है, अग्नि तत्व है, अग्नि तत्व को रिप्रेजेंट करने वाले कलर है, जैसे लाल है, गुलाबी है या रेड फैमिली टोटल है, अग्नि तत्व को रिप्रेजेंट करने वाली आकृति है, न्यूक्ली शेप जो होती है जिसे हम बोलते हैं त्रिभुजाकार, तीखी चीजें हैं, चाकू छुरी इत्यादि है, तलवारें इत्यादि है, तो भी यह एक बहुत बड़ा इम्बैलेंस है। मित्रों लाल रंग और रेड फैमिली का यदि कलर है तो उसको हटा देना ही इसका एकमात्र सबसे अच्छा उपाय है।
और यदि किचन भी है तो मैं आपको यही कहूंगा कि बुद्धि में जो दोष है ना उपाय पे नहीं जाना चाहिए, उसको तो हटा ही देना चाहिए। लेकिन फिर भी हटाने की कंडीशन में आप नहीं हो तो एक बार के लिए आप बड़ौदा ग्रीन स्टोन लेकर के आए मार्केट से, और अपना जो स्लेब है आपका किचन स्लेब, उसका जो स्टोव है बर्नर है उसके नीचे उसको प्लेस कर दें, तो अभी इससे आपको काफ़ी बड़ी राहत मिल जाएगी। इसके बाद में यदि बात करूं मैं कि और इसके क्या इम्बैलेंस है, तो उसका मुख्य इम्बैलेंस यही है कि यदि यहाँ पे आपने किसी भी प्रकार से कोई कचरा डाल रखा है, डस्टबिन रख रखा है, या साफ सफाई नहीं है, या प्रॉपर ऑर्गेनाइज नहीं है वो स्थान, तो भी ये इसके इम्बैलेंस के कारक होते हैं। तो मित्रों अपने घर के ईशान कोण को आप अच्छे से साफ रखें, स्वच्छ रखें, तो आपको ईश्वरीय मदद जो मिलती रहेगी। अब अपने प्रश्न में मन में प्रश्न आएगा कि इसमें हमें आदर्श रूप से क्या रखना चाहिए, तो यह जोन है आपकी बुद्धि का, और बुद्धि में यदि एक ही विचार हो तो वह बुद्धि बहुत अच्छा कर देती है, क्योंकि श्री कृष्ण गीता के अंदर कहते हैं कि जब बुद्धि में लक्ष्य एक ना हो तो बुद्धि बंटकर अनेक विचारों का समूह हो जाती है, बहुत सारे विचार फिर आते हैं, फिर बंदा कामयाब नहीं हो पाता। तो इसलिए आपको करना क्या चाहिए कि एक विचार, यानी कि आपका जो सबकॉन्शियस है उसको अच्छा सा एक प्लानर दे दो, और सबसे बढ़िया प्लानर है श्रीमद् भगवद गीता। तो यहाँ पर आप अपने श्रीमद् भगवद गीता पुस्तक को रख सकते हैं। दूसरा, यहाँ पे जिस भी इष्ट को आप मानते हैं, जिसके साथ आप कनेक्ट होना चाहते हैं, क्योंकि यह कनेक्ट होने का जोन है, तो यहाँ पर बैठ करके यदि आप ध्यान करोगे तो अपने आप से कनेक्ट हो जाओगे। और किसी देवी देवता से आप कनेक्ट होना चाहते हैं तो उनका एक सुंदर सा फोटो गोल्डन फ्रेम के अंदर ला करके यहाँ पर आप लगा दीजिए, यह दोनों आदर्श गतिविधियाँ होगी। अतिथि देवो भव, तो यदि यहाँ मेहमानों का आप कक्ष बना देंगे तो भी आपके लिए अच्छा वरदाई है। यदि आपने यहाँ पर मंदिर बना रखा है और उसमें लाल रंग के कुछ कपड़े भी लगा रखे हैं तो मित्रों यह इम्बेलेंस है। इसलिए जिन देवी देवताओं का आसन रेड कलर का है, जैसे माता है, भगवान हनुमान जी महाराज है, तो केवल उन्हीं की जो प्रतिमा है उसके नीचे एक छोटा सा भूभाग आप कपड़े का लगाइए रेड का, बाकी आपको वहाँ पर सफ़ेद कलर या क्रीम कलर लगा देना चाहिए। यह बहुत ही शुभकारी रहता है, आपके घर का ईशान शुभ हो, आपके ऊपर सभी देवी देवताओं की कृपा बनी रहे और जीवन सुखदायी हो। जय सियाराम।